महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूरी चेतना के साथ में गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावनायोग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, आज का ये विशेष सत्र शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम का आप सभी लोग देख रहे हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर महानगर के श्री विद्यासागर सभागार मोहिता भवन से। बंधुओं, आज का ये विशेष सत्र है, विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि महाराज श्री के शंका समाधान और प्रवचनों के पारस चैनल पर प्रसारण के आज 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उस पर आज विशेष आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आइएगा हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का देश और दुनिया में पारस चैनल और अन्य माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों का धर्म प्रभावना समिति और सकल दिगंबर जैन समाज भावभीना हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आइएगा बंधु, हम इस सत्र को गति दें, सत्र को आगे बढ़ाएं। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। पूरी अंतस चेतना के साथ दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए मंगल आशीष की छाव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छाव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधु, और आज के हम इस विशेष सत्र को प्रारंभ करते हैं हमारे साथ ब्रह्मचारी अभय भैया जी, डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली से हमारे बीच हैं, पंडित सुदर्शन जी हैं, ब्रह्मचारी बिमल जी गया वाले हमारे बीच हैं, जिन्होंने समय समय पर शंका समाधान के इस कार्यक्रम को गति प्रदान की है। मैं चाहूंगा बिमल जी यहाँ पर आए, सोनल जी यहाँ पर आ रहे हैं, सुदर्शन जी भी यहाँ पर आ जाए, और अभय भैया जी, जिन्होंने समय समय पर शंका समाधान के इस कार्यक्रम को अपने कुशल संचालन के माध्यम से गति प्रदान की है और आज ये दशाब्दी समारोह की ओर बढ़ रहा है, तो आप भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सभी का सम्मान कीजिएगा। और इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हम मंगलाचरण के साथ, एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इस शंका समाधान के सत्र को संचालित करने वाले हमारे सभी ब्रह्मचारी भैया, अभय भैया, मैं स्वयं, डॉक्टर सोनल जी और सुदर्शन जी, ब्रह्मचारी विमल भैया जी और साथ में सारांश भैया जी जो संगस्त हैं, वो भी समय समय पर इसको गति प्रदान करते रहे हैं, रूपेश भैया जी। तो आइएगा, हम इसको आगाज कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं मंगलाचरण के माध्यम से, और आवाज दे रहा हूं वासुपूज जैन कथक नृत्यकार, एक बार जोरदार कत्तल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और आज के शंका समाधान के सत्र को कथक मंगलाचरण के माध्यम से हम प्रारंभ करते हैं। मंगलकारी गुरु वंदना।
का दान देना, गुरु हमको ज्ञान देना। बालक है तेरे गुरुवर, हम पर भी ध्यान देना। अपनी पहचान देना, अपना गुणगान देना। हर जन्म तुझको पाऊं यही वरदान देना। पूजन वंदन निशदिन भगवन, पूजन वंदन निशदिन भगवन करूं अर्चना। गुरु वंदना मंगलकारी, गुरु वंदना मंगलकारी। जोरदार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। ये थे विश्वविद्यालय टॉपर वासुपू जैन, जो एक कथक नृत्यकार हैं। आइएगा एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ में आज आपको संपूर्ण समय। ये PSM ग्रुप से हैं, जोरदार। और इन्होंने अभी भावना योग का जो शिविर हुआ उसमें भी मंडल गीत पर ऐसे ही कथक नृत्य किया। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करते। और आपके लिए बतला दें, आज आपके अंदर ऊर्जा समाहित रहना चाहिए। 10 वर्ष का एक कार्यक्रम है और इतनी ऊर्जा आपके अंदर होना चाहिए कि प्रत्येक कार्यक्रम पर आप अपनी तालियों के साथ अनुमोदना अवश्य दीजिएगा। आइएगा बंधु, ये बड़ा सौभाग्य है। और वासुपू जैन के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष श्री अशोक जी दोषी और महोत्सव अध्यक्ष श्री नवीन जी गोधा। कृपया पधारे और हमारे वासुपू जैन जिन्होंने इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत यहां पर किया है उनका सम्मान करें अंग वस्त्र के माध्यम से। आइएगा, थोड़ा शीघ्रता करेंगे जिनके भी हम नाम ले रहे हैं सम्मान के लिए, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत ज्यादा है, सम्मान की श्रृंखलाएं भी ज्यादा है। इसलिए धर्म प्रभावना समिति के जिन साथियों का हम नाम लें वे भी थोड़ी सी तत्परता दिखाएंगे। बंधुओं, ये अभिनल यात्रा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। बीच कहां से डाला गया, कहां से बपित किया गया, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि पूज्य श्री के बाएं हाथ पर जो एक जर्जर काया में तपस्या की प्रतिमूर्ति के रूप में मुनि श्री संधान सागर जी महाराज बैठे हुए हैं, जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब शंका समाधान के इस बीज को आरोपित किया गया था। तो एक बार जोरदार कतलनी नमोस्तु पूर्वक, हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। और इस बीज का फल उनके जीवन में उनके लिए प्राप्त हुआ, क्योंकि आज जो प्रतिरूप आप देख रहे हैं वीणा बाराह में जब आचार्य भगवान ने उनकी दीक्षा दी तब उन्होंने शंका समाधान के अक्षरों को जोड़ करके संधान सागर उनका नाम रखा। शंका का पहला अक्षर सं और समाधान के दो अंतिम अक्षर धान, इन दोनों को मिला करके संधान सागर नाम रखा। आइएगा बंधुओं, हम उनके प्रति नमन करते हैं, नमोस्तु निवेदित करते हैं। आज पारस चैनल एक जाना पहचाना नाम है, लोग देश में ही नहीं दुनिया के सारे लोग पारस चैनल को टाइम मिलाकर के देखते हैं। महाराज श्री का प्रवचन कब आएगा, महाराज श्री का शंका समाधान का लोकप्रिय कार्यक्रम कब प्रारंभ होगा, और इस पारस चैनल को अपनी श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए प्रदान जिन्होंने की है उसके डायरेक्टर हमारे बीच आज यहाँ पर उपस्थित हैं श्री पंकज जी भव्य जी दिल्ली से हमारे बीच। आपकी जोरदार कतल होने के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री पंकज जी और भव्य जी, आपकी तालियां लगातार बजना चाहिए दोनों हाथों को ऊपर करके। ये वो लोग हैं जो महाराज श्री की आवाज आपके दिलों और दिमागों तक पहुंचाते हैं। देश और दुनिया के लोग पारस चैनल के माध्यम से आज जैन धर्म की बारीकियों को जान रहे हैं, महाराज श्री की दिव्य देशना को सुन रहे हैं और अपनी शंकाएं यहां तक भेज करके अपने जीवन के समाधान प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, पंकज जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं
इस धर्म प्रभावना समिति के महानिर्देशक श्री भरत कुसुम जी मोदी, एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ और पधारिएगा। और चातुर्मास के नौ रत्नों में से एक रत्न भी हैं भरत कुसुम जी मोदी, मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं। पहुंचे, हाँ, आपकी तालियां बंद हो लगातार इन अतिथियों के सम्मान में। ये वो व्यक्तित्व हैं जिसकी जिनकी वजह से ये कार्यक्रम लगातार चला है। हमारा निवेदन है कार्यकर्ताओं से, थोड़ा सा आज एक दो कार्यकर्ताओं को और थोड़ा सा जोड़िएगा साथ में। यश और अशोक जी, हाँ, थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा शीघ्रता के साथ में। पीएसएम के दो तीन युवा लोग आ जाएं पीएसएम के, तो यहाँ पे सामग्री दें। चलेगा, शीघ्रता से पहुंचे और सहयोग करें। हाँ, यह सम्मान चल रहा है, आपकी तालियों की अनुमोदना लगातार चलना चाहिए। आइएगा बंधु, इसी के साथ मैं आमंत्रित कर, हाँ, पारस चैनल के द्वितीय डायरेक्टर, आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। इंदौर महानगर में अतिथियों का सम्मान ऐसे नहीं होता है, जोरदार करताल ध्वनि के साथ में आप अपने आतिथ्य का परिचय दीजिएगा। हम पारस चैनल के द्वितीय डायरेक्टर श्री विनोद जी अभिषेक जी, हाँ, विनोद जी और उनके पुत्र अभिषेक जी कोटा राजस्थान से हमारे बीच हैं, हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच श्री विनोद जी। हाँ, श्री विनोद जी अभिषेक जी कोटा राजस्थान से हमारे बीच हैं, पारस चैनल के डायरेक्टर, और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस महामहोत्सव के यजमान, जो मुख्य यजमान हैं, श्री मुकेश जी पाटोदी, और उनके साथ में आमंत्रित कर रहा हूं योगेंद्र जी सेठी। कृपया पधारें और आपकी करताल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए, लगातार चलना चाहिए करताल ध्वनि। बंधुओं, ये उन अतिथियों का सम्मान यहाँ पर चल रहा है जो पारस चैनल के माध्यम से धर्म की यात्रा को इतने लंबे समय तक थामे हुए हैं और देश और दुनिया के लोगों के पास तक पारस चैनल के माध्यम से यह आवाज पहुंचा रहे हैं। बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। वाह, आज एकासन उपवास किस किस का है? जिसका उपवास है वो एक हाथ उठा के जय बोलेगा और जिसका नहीं है वो दोनों हाथ उठा करके जयकारा बोलेगा। बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। संत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर और मंच पर विराजित त्रिमुनि के चरणों में वारंबार प्रणति निवेदन करता हूं और शंका समाधान के इस दशाब्दी समारोह में आज हम सबसे पहले उनको स्मरण करते हैं जिनकी कृपा दृष्टि से शंका समाधान के जनक हमारे सामने आए, प्रादुर्भूत हुए। मैं पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करके हम अपनी श्रद्धांजलि प्रथमता उनको निवेदित करते हैं कि किस्मत में लिखी, भाग्य में लिखी थी शायद इनकी इतनी ही चमक हमारे, भाग्य में लिखी थी इनकी इतनी ही चमक हमारे, अब ये कहीं और चमकेंगे विद्या के ये उजाले कहीं और बरसेंगे। भाग्य में लिखी थी इनकी इतनी ही चमक हमारे, अब ये कहीं और चमकेंगे विद्या के ये उजाले कहीं और बरसेंगे। समस्त थे समस्त थे समस्त थे तुम, कोई इतना समस्त नहीं होता, और विद्यासागर जैसा सूर्य कभी अस्त नहीं होता, विद्यासागर जैसा सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार अनंत कोटि प्रणाम करते हुए मैं पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में भी नमोस्तु निवेदित करता हूं और मैं सीधे इस शंका समाधान जो आज विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय धार्मिक कार्यक्रम है वो कहां से प्रारंभ हुआ और उसने कितनी यात्रा की है एक सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। विजय भाई उसको प्रस्तुत करें, हम देखेंगे कि कितने नए नए स्थाप जो आप उस पर देखें एलईडी पर, बैक में भी है और आपके सामने भी है,
ये पूरा प्रश्न जो हम देख पा रहे हैं साल दर साल अगस्त से लेकर के और अगले अगस्त तक के हैं, और उस अगस्त तक के उस अगस्त के सारा जो कार्यक्रम है उनको मैं देख पा रहा हूं कि कितने प्रश्न, लगभग 70,000 प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, और ये आंकड़ा उस ओर जा रहा है जो भगवान महावीर स्वामी के स्वशरण में राजा श्रेणिक ने वो प्रश्न पूछे थे। कहीं ना कहीं इतिहास अपने को दोहराने के क्रम में है, और जब हम अगले सोपान पर होंगे वो आंकड़े को हम प्राप्त करके पीछे चले भैया एक बार पीछे वाली स्लाइड। ये शंका समाधान का एक व्यंगावलोकन है कि आज तक जो जितने प्रश्न लगभग पूछे गए हैं 60,000 प्रश्न हमारे उन पूछे हुए प्रश्नों में से यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, और जितने आज तक व्यूज हैं जो आए हुए हैं 4 करोड़ से अधिक यूट्यूब पर शंका समाधान कार्यक्रम को देखा जा चुका है। ये हमारे लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। और हम जितने जो कह रहे हैं कि कुल घंटे, तो जितना कार्यक्रम देखा गया 22,00,000 घंटों से ज्यादा शंका समाधान पूरे विश्व में देखा जा चुका है, और इसके जो सब्सक्राइबर हैं पंजीकृत दर्शक हैं 7,00,000 से ज्यादा इसके नियमित दर्शक हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे लिए है। और ये यूट्यूब पारस चैनल सभी मिलाकर के यूट्यूब के हैं ये प्रमाण, यूट्यूब के माध्यम से उस पर नीचे लिखा हुआ है जो है, इसमें यूट्यूब फेसबुक और ये सारा जो भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से है सारा डाटा उसमें समाहित है। और अगला ये सबसे बड़ी जो स्लाइड आप अब देख पा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये शंका समाधान केवल भारत में नहीं देखा जा रहा है, भारत के अलावा 54 देशों में लोग इसको देख रहे हैं, और आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे कि उन 54 देशों में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर ये तो है ही, लेकिन उनमें जो विदेशों में सबसे ज्यादा जहां देखा जा रहा है उनमें से छठे नंबर पर है पाकिस्तान। इसके बाद जहां शंका समाधान देखा जा रहा है उसमें अगले क्रम पर आता है इराक, उसके बाद आता है कुवैत, उसके बाद आता है इज़राइल, और उसके बाद आता है बांग्लादेश। वो देश भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो आज कई संकटों का सामना कर रहे हैं। एक कार्यक्रम की लोकप्रियता है, एक बार जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के लिए। हमें गर्व है और गौरव है कि इस कार्यक्रम को जैन समाज ने पूरे विश्व के लिए समर्पित किया है। एक दूसरा विश्लेषण हम देखें कि किस आयु वर्ग के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा 20 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच का आयु वर्ग है वो सबसे ज्यादा ग्राफ उसका ऊपर है, तो मैं कह सकता हूं कि युवा वर्ग में सर्वाधिक स्वीकार्यता इस कार्यक्रम की है। और मैं इस बात को बड़े उम्मीदों के साथ कहता हूं कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। अगर युवा वर्ग इस कार्यक्रम की ओर जा रहा है तो निश्चित रूप से इस देश का, इस समाज का और इस विश्व का भविष्य सुनहरा है, अच्छे हाथों में है। अगली स्लाइड आप ये देख पा रहे हैं कैसे ये शंका समाधान प्रारंभ हुआ और कैसे क्रमिक विकास तक चलता गया। सबसे पहले पारस चैनल के माध्यम से ये प्रारंभ हुआ, यूट्यूब पर पहुंचे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और अन्य माध्यमों से जिनवाणी चैनल पर भी इसका प्रसारित हो रहा है। ये हमारे बढ़ते क्रम है। और ये जो मुख्य मुद्दे जो किन विषयों पर इस शंका समाधान में चर्चा की जाती है, ये क्यों शंका समाधान इतना प्रसिद्ध हो रहा है, ये मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि हम अपना धर्म क्या है, रिलेशनशिप्स कैसे हैं, फिलॉसफी क्या है और इस प्रकार के हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये प्रमुख मुद्दे हैं। अगली स्लाइड आप उसमें देख रहे हैं अलग अलग बीच में। और ये समाज की मांग के अनुरूप कुछ लोग सुनने के, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है फेसबुक पे जो आप पोस्ट करते हैं उस प्रकार के छोटे छोटे से क्लिप्स को वर्ड बना करके उसको पुस्तकाकार रूप में भी प्रस्तुत किया, और छोटे छोटे प्रश्नों पर भी फेसबुक पेज पर भी ये हमारे बीच में उपलब्ध है, आप उस पर भी देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज कि अब जो शंका समाधान में शंकाएं आती हैं, जो विचार आते हैं, वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से ना केवल हिंदी तक सीमित हैं बल्कि मराठी और कन्नड़ में भी उनका प्रकाशन हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां कि हम भारतीय होने की दिशा में, पूर्ण भारतीय होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखें एक सबसे बड़ी विशेषता,
आज युवा वर्ग कहता है कि हमें केवल 2 मिनट्स मैगी चाहिए, 2 मिनट नूडल्स चाहिए। वो उसको खा करके बड़ा हुआ है तो उसको आदत भी वही है, संस्कार वही है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो ये 2 मिनट एक क्लिक पर आपके जो कोई भी सर्च इंजन हमारे पास है और आप वहां पर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप गूगल उस पर सर्च इंजन पर जाकर के अपने प्रश्न को वहां पर टाइप करते हैं तो आपको वहां पर उत्तर मिल जाता है। और लगभग 4000 से ज्यादा प्रश्न जो शंका समाधान में पूछे गए हैं उस गूगल के सर्च इंजन पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, यदि आपने जो प्रश्न पूछा है और वो सर्च इंजन पर उपलब्ध नहीं है तो हमारी टीम शंका समाधान की जो टीम है यदि उससे मिलता जुलता कोई प्रश्न पूर्व में पूछा जा चुका है तो उसका उत्तर हम उस पर अपलोड करते हैं। इस माध्यम से भी आप इसके पास पहुंच सकते हैं। एक छोटी सी यात्रा, हमारी कुछ कमेंट्स हैं जिनको मैं आपके सामने सुना रहा हूं कि गुरुदेव, ये एक कमेंट्स जो सबके आया है, जो आईडी है उस पर लिखा हुआ है सनातन हिंदू हिंदुस्तानी, उसकी तरफ से ये कमेंट्स है कि आपकी जो सकारात्मकता है और जो विचारों के संप्रेषण की जो तरीका है, जो बात मैं 30-32 साल में नहीं समझ पाया उसे आपने 5 मिनट में समझा दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक अगला कमेंट हमारे पास आता है जो एक हमारे मुस्लिम भाई हैं और वो ये लिखते हैं कि इंशा अल्लाह, ये शब्द लिखा वहां पर आप देखेंगे, इंशा अल्लाह मैंने आज तक इतना अच्छा धर्म का व्याख्या नहीं सुना, क्या मैं भी जैन हो सकता हूं? तालियों का महोत्सव होना चाहिए इस पंक्ति पर। एक अगला कमेंट आता है, एक युवा लिख रहा है कि मैं जीवन से निराश हताश होकर के और जब मुझे कुछ नहीं सूझा और ऐसी परिस्थितियों में मैंने एक दिन इस कार्यक्रम को YouTube पर कहीं क्लिप मुझे मिली और मैंने उसको सुना और उसके बाद जब मैं एक क्लिप से दूसरे क्लिप तक पहुंचता गया तो मेरा जीवन ही बदल गया। गुरुदेव मैंने आपके दर्शन नहीं किए लेकिन जहां भी आप हैं जैसे भी हैं निश्चित रूप से मेरे लिए भगवान हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और ये कुछ चुनिंदा क्लिप से कमेंट्स हैं जो मैं हैं, आप इनको जाकर के प्रमाणिक ऐप पर और उसके माध्यम से देख सकते हैं। अब मैं बंधुओं इस श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हुए इसकी आगे की कड़ी की ओर चल रहा हूं। हम अभी नहीं, हम आज इंदौर में विराजमान पूज्य गुरुदेव के चरण सन्निधि में हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव इंदौर में विराजमान हैं तो हम आज साक्षात झरने का पानी पी पा रहे हैं। लेकिन हमारे जो भाई इंदौर में नहीं हैं और बाहर हैं वो कैसे इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं? तो उस कार्यक्रम का लाभ सबसे पहले उसमें निमित्त बने हमारा पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से। लेकिन वो भी कैसे पहुंचे उसके लिए कई भी कारण में करण की आवश्यकता है। तो मैं आज उन सभी सौभाग्यशाली पुण्यार्जकों को भी यहां पर स्मरण करना चाहता हूं जिनके माध्यम से यह शंका समाधान का लोकप्रिय कार्यक्रम जन जन तक पहुंच रहा है। आज तक 13 अगस्त 2014 से लेकर के आज 25 अगस्त 2024 तक 10 वर्ष 11 दिन की इस यात्रा में जितने भी हमारे पुण्यार्जक रहे हैं मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पारस चैनल परिवार उनका स्वागत वंदन करना चाहता है। मैं पारस परिवार की ओर से उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएं और हमारे सभी पुण्यार्जकों का सम्मान करें शीघ्रता के साथ। मैं सारे नाम पढ़ रहा हूं जो हमारे पुण्यार्जक यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले स्वर्गीय चोगालाल जी एवं केसरी देवी जी सेठी शेखावाटी फतेहपुर, श्री सौभागमल जी, मैं चाहूंगा कि आप इन सबके लिए एक बार करतल ध्वनि जरूर करते रहें। जिसने भी एक बार भी अगर घर पे बैठ करके टीवी में शंका समाधान देखा हो तो ये सब उन्हीं के लिए है, उन्हीं की ओर से है, उनके लिए वंदन करते रहें। श्री सौभागमल जी एवं तिलक सुंदरी जी कटारिया अहमदाबाद, श्री कंवरी लाल श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी फैंसी बाजार गुवाहाटी, डॉक्टर हैं जो भी महानुभाव उपस्थित हैं, आइए सुरेंद्र जी, प्रीति जी, प्रीति जी, हाँ जी, कंवरी लाल जी श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी सुरेंद्र जी प्रीति जी गुवाहाटी हमारे बीच में हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर महेंद्र पांड्या आशा जी पांड्या इंदौर मुंबई न्यूयॉर्क हमारे बीच में हैं। अरे कोई सा भी दे दो भैया, कोई सा भी दे दो,
बाद में बदल देंगे आप, दे दो ये भैया एक ही रहने दो, बस उसी को चेंज करते रहे। स्वर्गीय श्री मेहरचंदन पापड़ीवाल, कमला देवी जैन पापड़ीवाल जयपुर, करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। जो भी महानुभाव में जिनके नाम ले रहा हूं, यदि वो उपस्थित हों तो उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो मंच पर आएं और पारस चैनल परिवार के द्वारा इस आतिथ्य का, इस सम्मान का। श्री निर्मल कुमार सेठी, गुणमाला सेठी, काकुरगाछी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। श्री अनिल जी, निर्मल कुमार जी सेठी, गुणमाला सेठी, काकुरगाछी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। श्री अनिल जैन, अमिता जैन, नावले वाले, मुजफ्फरनगर, यूपी। श्री कमललाल जी, महावीर प्रसाद जी, पाटनी, आरके मार्बल, बंडर सीमेंट परिवार, किशनगढ़। और मैं बड़े सम्मान के साथ अगला नाम ले रहा हूं, मेरी नजर भी वहां तक जा रही है, उनकी नजर भी मेरे तक आ रही है। गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी काला, जोरदार तालियों के साथ। और मेरी नजर ही नहीं मिल रही है, अध्यक्ष जी आप देख रहे होंगे, आपने नोट किया होगा कि कल भी कुर्ते का रंग मिल रहा था और आज भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि मन भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, मन के तार जुड़े हुए। एक बार जोरदार तालियां हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी के लिए। और इसके पश्चात बेनाड़ा परिवार आगरा, उनका भी हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। श्री शशांक जैन, प्रीति जैन, नावले वाले, मुजफ्फरनगर। स्वर्गीय सवाईलाल जैन जी, चिंतामणि सवाईलाल जी जैन, कन्नौज, मुंबई परिवार। श्रीमती कंचन देवी, पूरनमल जी, पाटनी, आशिका ग्रुप। श्री राजेंद्र, गीता, नमन, अलिशा, युक्ति जैन, गन्नौर, हरियाणा। श्रीमती कांता देवी जैन, विनोद गंगवाल, साड़म निवासी, झारखंड। श्री कौरी लाल, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, ये हो गया है। स्वर्गीय सविता जैन, धर्मपत्नी श्री ताराचंद जी जैन, जयंती परिवार, अलवर। आप अपनी तालियों में कमी क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये लोग यहाँ उपस्थित भले ही नहीं है लेकिन अभी इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इन्हीं के द्वारा गुरुवर की ये वाणी जन जन तक पहुंची है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें और तालियां बंद नहीं करें। बेनाड़ा परिवार का जो सम्मान है वो श्रीमती छवि दोषी जी ग्रहण कर रही है। श्री चंदा देवी सरावगी, निर्मल कुमार, बीना जैन, विजय कुमार, रश्मि जैन सरावगी, कोलकाता। स्वर्गीय श्री नरवे राम लाधानी, भूपेंद्र, अतुल, शीतल लाधानी, बक्सरा, गुजरात। तालियां बजाते रहे हैं, देखिए तालियां बजाते रहिएगा। स्वर्गीय इंदर चंद जी, नेमी चंद जी, कासलीवाल, चंचलाबाई, नांदेड़, महाराष्ट्र, हम इनका करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। श्री विमल, श्रीमान विमल, किरण, राजकुमार, शोभा जैन, मिर्जापुर एवं जगदलपुर परिवार, इनका भी हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और अगला नाम हमारे पड़ोस से ही है, हालांकि यहाँ के लिए हम कह सकते हैं कि पड़ोसी हैं लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो दूरियाँ बहुत हैं। श्री चमनलाल जी, ऊषा जी जैन, नितिन रचना जैन, पीतमपुरा, दिल्ली। चलिए वैमानिक देव बनने की क्रम में है, उनका विमान था तो उसके लिए वो विमान पत्तन की ओर प्रस्थान कर गए हैं। स्वर्गीय श्रीमल एवं स्वर्गीय गुणवंती बहन हुमड़, भूपेंद्र, रेखा हुमड़, भानपुरा वाले, इनका भी हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी पाटोदी, श्रीमती बिमला देवी पाटोदी, मुकेश पाटोदी परिवार, जो कि हमारे मुख्य यजमान इस चातुर्मास के हैं, जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। पूरा परिवार आ जाए, हाँ सब परिवार उपस्थित हो। स्वर्गीय, हाँ पूरा परिवार आ रहा है, पाटोदी परिवार मुख्य यजमान चातुर्मास। स्वर्गीय श्री सोहनलाल सोगानी, श्रीमती गुणमाला देवी, शांति कुमार सोगानी, सोगानी जोड़ाल जयपुर, हम इनका भी करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक केतकी जैन, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड आगरा, इनका भी हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। श्री रमेश, किरण, जयश्री, अनिल सरावगी, सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, इनका उमंग जी और मयंक जी सरावगी, जो सरावगी उद्योग रमेश जी, अनिल जी सरावगी परिवार से हैं। उमंग जी, मयंक जी, एक बार रमेश जी, अनिल जी सरावगी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगला नाम, हाँ जी, श्री प्रकाश चंद जी, श्रीमती उगम लता गंगवाल, मदनगंज, किशनगढ़। और अगला नाम आपके बीच में है, आपके ही शहर से,
श्रीमती विमला देवी परिवार से श्री सुनील राजरानी, सुधीर, नीतिका, शुभम, अस्मिता, रिशम, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, अनमोल, वसुंधरा एवं संजय, सरिता, बड़नगर, शांति मेडिकल परिवार, इंदौर, संपूर्ण बिलाला परिवार, अपने पूरे परिवार के साथ, परिकर के साथ उपस्थित हो। जोरदार कलतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। नवरत्न में से एक रत्न भी है बिलाला परिवार और हमेशा गुरु चरणों में लगे रहते हैं। शीघ्रता करें थोड़ा सा। और इसके बाद हमारे बीच में एक बार जो इसका सौभाग्य प्राप्त किया था श्री मुनि श्री प्रमाण सागर भक्त मंडल आगरा, उनका हम देखिए नाम किसी का नहीं पूरे भक्त मंडल का। यदि आप भी भक्त मंडल के सदस्य हो, अपने आप को भक्त मानते हो, तो जोरदार कलतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। और यदि इसके कोई सदस्य उपस्थित हैं, हाँ जी, हमारे राकेश जी आ रहे हैं चांदीवाला और निर्मल कुमार जी भी आ रहे हैं, ये मुनि प्रमाण सागर भक्त मंडल परिवार आगरा की ओर से जी जोरदार कलतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, दीप्ति, संजय जैन, सतना, यदि उपस्थित हो तो आए जी। राकेश कुमार जी चांदी वाले, मुनि प्रमाण सागर भक्त मंडल आगरा और हमारे निर्मल जी आगरा, ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। इसके पश्चात स्वर्गीय बाबू निर्मल महेंद्र कांति जैन, स्नेह लता, कमल जैन, सिगई परिवार, एनके ग्रुप, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, यदि हमारे बीच में बसते थे। सौरभ भाई को मैं नजर जा रही है जी, सौरभ भैया, हाँ सौरभ जैन, श्रीमती बरखा जी उपस्थित हैं। जोरदार कलतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। हाँ वाराणसी वाले आ रहे हैं, सौरभ भैया आ रहे हैं, आइए भैया शीघ्र। इसके पश्चात सेठ उत्तम चंद प्रभा जैन, अनुराग जूही, कोयला परिवार, कटनी मध्य प्रदेश से उपस्थित हों तो मंच पर आए। जोरदार कलतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय, श्रीमती अनिता जैन परिवार, इनका भी हम जोरदार कलतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। स्वर्गीय विमला देवी जैन, महेश चंद जैन, पीयूष, कल्पना, कन्नौज, कानपुर परिवार, इनका भी हम जोरदार कलतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। बनवारी लाल, इंदु सरावगी, सरावगी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन कोलकाता, इनका भी हम जोरदार कलतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। पद्म कुमार प्रेमवती पुत्र इंजीनियर साकेत की स्मृति में अनिल त्रिषा गुणायतन त्रष्टी बरेली उत्तर प्रदेश से, यदि उपस्थित हो तो हमारे बीच में आए। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, हम इसके बाद चार नाम और हैं जिसमें से एक ही उपस्थित हैं, उसके बाद हम आपको 13 अगस्त 2014 को ले जाएंगे और 25 अगस्त तक आपको लेकर के आएंगे। एक बहुत ही सुंदर क्लिप अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, जिन्होंने पहला सत्र नहीं देखा होगा वो आज उस सत्र की स्मृति याद करेंगे। पद्म कुमार प्रेमवती पुत्र इंजीनियर साकेत की स्मृति में अनिल त्रिषा गुणायतन त्रष्टि बरेली, श्री डीके जैन की पुण्यस्थिति में कल्याण कुमारी विनय संगीता जैन, सवाई संगई सेठ श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शकुन जैन, प्रशांत जिम्मी, कोरेगांव पार्क पुणे, समस्त कोयला परिवार बिलासपुर, स्वर्गीय श्री सुशील कुमार जैन, मंजू देवी जैन, सेठी नीरज कर्णिका, नितिन वर्षका, नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान, श्री आर के जैन, अंगूरी जैन, सुनील जैन, श्रीमती अनिता जैन, भोपाल, इनके लिए जोरदार ताली मनाएं। और श्रीमान नंद किशोर, शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना पहाड़िया, जयपुर, राजस्थान, हमारे बीच में उपस्थित हैं। ठीक है, हम परोक्ष रूप से इन सभी का सम्मान करते हैं। चंद्रकला पाटनी जी परिवार रांची, इनका नाम भी हमारी सूची में है, मैं इस परिवार को भी आमंत्रित कर रहा हूं। नीलांश जैन, मैं आमंत्रित, हाँ नीलांश या और पूरे पाटनी परिवार को, वो भी यहाँ पर बीच में हमारे समक्ष उपस्थित हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। श्रीमती मंजू लता, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, नीरज जी विना, ये रियांश जैन पाटनी, एमआर ग्रुप रांची, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत अभिनंदन कर दे। श्रीमती मंजू नितिन वर्तिका सेठी जयपुर हमारे बीच में उपस्थित हैं, इन्होंने भी सौभाग्य प्राप्त किया, पुण्यार्जक हैं, मैं इनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि मंच पर आएं और पारस चैनल परिवार का ये सम्मान ग्रहण करें। आ रहे हैं, चलिए। और अब हम बिना किसी विलंब के उस दशाब्दी यात्रा की ओर चलेंगे। श्री प्रशांत जी जैन मुंबई, उनका नाम भी हुआ है, और यदि किसी का नाम हमारी सूची में से रह गया हो
तो हम उन सबके लिए पुण्यार्चकों का धन्यवाद करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि ये मीनार इन्हीं से है, ये दुहाई नहीं देते। ये मीनार इन्हीं से है, ये दुहाई नहीं देते, अपनी वफाओं की कभी गवाही नहीं देते, और अपनी बुलंदियों पर इतराने वालों, ये वो नींव का पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं देते, ये वो नींव का पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं देते। मैं मंजू वर्तिका सेठी जयपुर से हमारे बीच में है, और इस सम्मान के साथ ही हम इस सम्मान की श्रृंखला को यहीं पर विराम दे रहे हैं, और अब हम उस घड़ी को अपनी आंखों से साक्षात्कार देखेंगे। हो सकता है हम में से कई लोगों ने 2 साल से शंका समाधान देखना शुरू किया हो, किसी ने 4 साल से देखना शुरू किया हो, किसी ने 6 साल से देखना शुरू किया हो, लेकिन आज हम आपको पहले दिन से दिखाएंगे, पहले दिन से, और इस शंका समाधान की यात्रा का चमत्कार आपको हम दिखाएंगे कि पहले दिन के शंका समाधान में जो आप जिस शख्स को देखेंगे, जिस व्यक्ति को देखेंगे, वो 14 से 24 तक आते आते आपको व्यक्ति से एक व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देगा। इसी जो विषम विशिष्ट यात्रा, विजय भाई यदि ये लाइट बंद हो सकती हो, हाँ इलेक्ट्रीशियन जो है और अगर मेरी आवाज सुने तो बीच की लाइट बंद कर दें, ये स्क्रीन आपकी जी, इलेक्ट्रीशियंस मेरी आवाज सुने तो पांडाल की लाइट बंद। महाराज जी, प्राचीन मंदिरों को खत्म कर नए मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है तथा पुराने मंदिरों को भव्यता खत्म की जा रही है, ऐसा क्यों? मनीष शांति कुमार जैन, नागपुर महाराष्ट्र। देखिए 4 शब्द है, कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन। क्या मुनि महाराज भी अपना जन्मदिन मनाते हैं? अनिमेश जैन सतना से जानना चाहते हैं। मुनि महाराज को अपना जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जन्म से कोई मुनि होता ही नहीं तो जन्मदिन क्या मनाएंगे। जन्म से तो सब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी होते हैं, तो जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हैं, जन्म से अज्ञानी हैं, उनको पूछने की क्या जरूरत। उनको हमारे गुरुदेव कहते हैं पंचम काल में कोई भी सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता, सब मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि का जन्मदिन मनाना ठीक नहीं। नमोस्तु महाराज जी, मैं अभिषी भंडारी रामनगर शास्त्री नगर जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, इंटेंशन कितना ही अच्छा हो, सब प्रेजेंटेशन देखते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन कितना ही अच्छा हो, भगवान जी इंटेंशन देखते हैं। तो महाराज जी, हमारे जीवन में हमें इंटेंशन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि प्रेजेंटेशन को? देखो, खुद के लिए जब हम कुछ करें तो हमें अपने प्रेजेंटेशन का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे इंटेंशन को नहीं समझ पा रहा है। तुम्हारा कितना भी अच्छा भाव हो, बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ? अनेकांत का पालन करना, खुद के संदर्भ में जब कभी सोचना हो तो स्वयं के प्रेजेंटेशन का ध्यान रखो। इंटेंशन तो अच्छा रखो ही, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा ही होना चाहिए। और सामने वाले के विषय में जब कभी कोई बात आए तो उसका इंटेंशन क्या है वो जाने, हम तो प्रेजेंटेशन देख करके अपना काम चला ले, इससे जीवन में कभी किसी के प्रति शिकायत नहीं रहेगी। यदि आपको प्रश्न अच्छा लगे तो आप ताली बजा सकते हैं। नारी का अगर रूप है वो माँ के रूप से है, और माँ को एक जननी माना गया है, और ईश्वर की जननी भी माई है, तो मेरा प्रश्न ये है कि आज जो संतान है वो माताओं की उपेक्षा कर रहा है, क्या यह उनके धर्म के लिए, उसके लिए या उनके स्वार्थ के लिए, या उनके धन की लिप्सा के लिए, या इसके कारण और भी कोई हो सकते हैं? देखिए, आपने बहुत गंभीर मुद्दा छेड़ा है। मैं तो आपसे कहूँगा कि मदर्स डे के रूप में एक दिन माँ के लिए देना ही माँ के वजूद को कम करना है। भारत में कभी माँ के लिए कोई दिन नहीं बनाया गया, ये सब पश्चिम की हवा भारत में आ गई, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंड्स डे, और ये डे और वे डे। माँ हमारे लिए एक दिन के लिए प्रासंगिक नहीं है, हमारा संपूर्ण जीवन माँ के लिए समर्पित है। नमस्ते
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे, अगर कोई आपकी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। लेकिन जिन्होंने हम पर राज किया वो अंग्रेज पाश्चात्य संस्कृति हमें यह सिखाती है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो किन परिस्थितियों में हम दूसरा गाल आगे करें और किन परिस्थितियों में टिट फॉर टैट करें? अगर हम दूसरा गाल आगे करते हैं तो लोग कहते हैं भोला है, पागल है, और टिट फॉर टैट करते हैं तो बोलते हैं चंट है, होशियार है। तो कैसे सामंजस्य बैठा है, और जैन धर्म इस दृष्टि में किन किन परिस्थितियों में हमें टिट फॉर टैट करना चाहिए? देखो, जैन धर्म की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो जैन धर्म तो भगवान महावीर से भी आगे, गौतम गांधी जी से भी आगे की बात करता है। जैन धर्म कहता है कि यदि तुम निर्वृत्ति के मार्ग में चल रहे हो तो तुम्हें किसी ने एक गाल में थप्पड़ मारा ना, और उसके आगे दूसरा गाल करना भी एक प्रकार का प्रतिवाद है। कुछ मत करो, थप्पड़ मारा चुपचाप सह लो, क्योंकि तुम्हें कोई थप्पड़ मार ही नहीं सकता, क्योंकि जो तुम हो सो कोई छू ही नहीं सकता। थप्पड़ मारने की बात क्या है, मार दिया, मुझे कौन मारने वाला, शरीर को मारा है। नमोस्तु महाराज जी, नैनों की पुतली में मेरे प्रमाण सागर जी की तस्वीर हो, हर घड़ी दर्शन करूं मैं, ऐसी मेरी तकदीर हो। मेरा प्रश्न यह है कि एक कि स्कूल में लिखा होता है असूल तोड़ना मना है, बागों में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, खेलों में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है, तो रिश्ते परिवार दोस्ती में भी क्यों नहीं लिखा होता कि साथ छोड़ना मना है? कृपया समाधान दीजिए। क्या बात है, स्कूल की दीवार में लिखा होता उसूल तोड़ना मना है, बागों में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, और खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है, तो परिवार में ये क्यों नहीं लिखा होता कि साथ छोड़ना मना है? बस, बहुत बहुत गहरा संदेश है, इसमें ज़्यादा उत्तर की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति इस सवाल पर ही विचार कर ले तो उसका उत्तर होगा। जैसे हम जीवन में हर क्षेत्र में उसूलों और कायदों का पालन करते हैं, परिवार में भी उसका ध्यान रखे तो बहुत फर्क पड़ता। महाराज जी, खुशी, प्रसन्नता, आनंद और विशुद्धि एकार्थवादी है या फिर इनमें अंतर है? देखो तो एकार्थ है, और थोड़ा भेद करो तो अलग 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 शब्द है तो अर्थ भी अलग अलग है। खुशी, प्रसन्नता, आनंद और विशुद्धि, चारों को अलग अलग भी हम देख सकते हैं। खुशी प्राय मन से जुड़ी होती है, जो हमारे मन के अनुकूल होता है उसमें हम खुश होते हैं। खुशी और नाखुशी का संबंध हमारे मन से है, अनुकूल मिला खुशी हो गई, प्रतिकूल मिला हम खिन्न हो गए, नाखुश हो गए। प्रसन्नता, हमारे साथ कोई इष्ट का संयोग होता है, मनोनुकूल सामग्री प्राप्त होती है तो मन में प्रसन्नता आ जाती है, प्रसन्नता का संबंध भी हमारे मन से होता है। मेरे लिए एक लड़की है, और मैं आज दो तीन पिताओं को मिला जिनके पास भी एक लड़की थी, तो हम लोगों के मन में एक विलंबना है गुरु जी कि ये जो फैशन है, इस फैशन को देखकर आज की बच्चियां इतनी अट्रैक्ट हो जाती है, इस फैशन की जो वो जो ललत के जो कहते हैं जो खींच लेता है, वो उस चीज को रिड्यूस कैसे करें, मैं सबको कम कैसे करें? नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि मोक्ष तो हम में से किसी ने देखा नहीं, और मोक्ष की कल्पना भी हम सबके परे है, पर मोक्ष की शुरुआत जिस माँ शब्द से होती है वो सब हमारे समक्ष हैं। तो और भोग भूमि में बेटे के जन्म के उपरांत माँ शांत हो जाती थी, कर्म भूमि में ऐसा होता नहीं है। तो महाराज श्री, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि गुरु के बाद क्या माँ ही वो है जो हमें मोक्ष मार्ग पे चलने की राह दिखाती है? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, पर इस पूरे के पूरे सवाल को एक बार ठीक से समझने की जरूरत है। आपने पूछा है मोक्ष को हमने देखा नहीं, मोक्ष का कोई अनुभव भी नहीं, पर आपने जोड़ा है मोक्ष के प्रथम अक्षर म से, और माँ का प्रतिनिधित्व तो माँ करती है, माँ का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई संशय नहीं।
और ये भी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये माँ कर्म भूमि में ही है, भोग भूमि में माँ थी नहीं। संतान को जन्म देने के बाद भी संतान को अपनी माँ का मुख देखने का और माँ को अपने बच्चे के मुख देखने का सौभाग्य वहाँ नहीं मिलता, और उनको अभी यहाँ से जाना है। इसलिए ये कार्यक्रम की झलक जिस टीम ने तैयार किया, एक बार उस टीम के लिए जोरदार कर्तव्य करें। 10 साल की पूरी यात्रा को दिखाना बहुत कठिन काम है, पर मुझे लगता है बहुत जल्दी में ये काम किया गया है, और जल्दी में काम किया गया इसलिए इतना अच्छा है, थोड़ा समय लगाते तो और अच्छा होता। इसलिए इनके लिए और ज़ोरदार कर्तव्य कर दीजिए। देखिए, शंका समाधान की ये यात्रा ऐसे तो निर्वाध चल रही थी, जब से हमारा पृथक चातुर्मास हुआ 1989 में, पहला चातुर्मास पिंडरई में हुआ था। शाम के समय लोग आते थे, इधर उधर की बातें भजन भक्तियाँ करते थे। उन दिनों सुदर्शन थे, सुदर्शन सामने आ जा, हमने कहा देखो ये शाम के समय का सदुपयोग करो, अगर तुम लोग सदुपयोग करना चाहते हो तो मैं बैठूँगा, नहीं तो तुम लोग जानो। बोले क्या करें, बोले अपन शंका समाधान करते हैं। और उस दिन से शंका समाधान शुरू हुआ 1989 से। और उस समय लोग पर्चियाँ देते थे, मैं उत्तर देता था, एक क्रम लगातार चलता रहा। आचार्य भक्ति के बाद शाम का ये नियमित कार्यक्रम था, कोई एक व्यक्ति उसे संभालते थे और लोग पर्चियाँ देते थे, उनमें से चयनित प्रश्न मुझसे पूछे जाते। महाराज जी आए ब्रह्मचारी रोहित के रूप में, ये मुझसे बार बार कहते थे कि महाराज जी आपके इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होना चाहिए, ये लाइव हो तो बहुत लोग लाभ लेंगे। और ख़ासकर समेत शिखर के प्रवास में ये मेरे पीछे पड़ गए, मैं टालता रहा। लेकिन इनको जब मौका मिला, कोई विशेष आयोजन हुए, इन्होंने उस समय इसको लाइव कराया और लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन शिखर जी में 2014 में इन्होंने मुझसे पूछे बिना सामने कैमरा लगवा दिया। हमने कहा क्या है भाई, बोले कुछ नहीं। बाद में मालूम पड़ा प्रकाश जी मोदी से आपने सेटिंग बनाई और लाइव चालू हो गया। और वह 13 अगस्त 2014 का दिन था, तब से मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों को यह कार्यक्रम इतना पसंद आएगा। ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ है और लोगों के जीवन में इससे बड़ा परिवर्तन आया। धर्म बचाओ आंदोलन की सफलता मैं इस शंका समाधान की देन के रूप में देखता हूँ। इस शंका समाधान के इस कार्यक्रम को मैं एक कार्यक्रम के रूप में ही नहीं देखता, समग्र जैन समाज को सुलभ कराने वाले एक मंच के रूप में भी देखता हूँ। इस शंका समाधान के कार्यक्रम ने हम लोगों की पहुँच वहाँ तक बना दी जहाँ पहुँच पाना बहुत कठिन था। इस कार्यक्रम को निर्बाध रूप से यहाँ तक पहुँचाने में पारस चैनल की बड़ी भूमिका, और पारस चैनल से तो शुरुआत हुई, जिनवानी चैनल ने भी इसमें अपनी महती भूमिका निभाई, और प्रमाणिक ऐप और उसकी पूरी टीम से यूट्यूब के माध्यम से शंका समाधान की लोकप्रियता बहुत बढ़ी। अभी जो डेटा आपके बीच प्रस्तुत किया जा रहा था वो यूट्यूब का था, पारस चैनल के तो बताते हैं कि उनकी सर्वाधिक TRP इसी समय है। मैं चाहूँगा अभी थोड़ी देर बाद वो चैनल के टाइम द्वारा भी अपनी बात कहेंगे, तो इसके लिए मैं पूरे चैनल को और उसकी पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूँ कि वे धर्म प्रभावना का कार्य इसी तरह करते रहे। और इस संदर्भ में मुनि श्री चिन्मय सागर जी को हमें ज़रूर याद करना चाहिए कि जंगल में बैठे बैठे चैनल की बात उनके ध्यान में आई और उनके इस प्रयास से ये चैनल समाज के बीच आया, और आज
पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आधार बन गया। कोविड के दिनों में तो ये चैनल नहीं होते तो आपके पास चैन नहीं होती। बहुत सारे लोग कोविड के दिनों में जिनवानी और पारस चैनल के माध्यम से ये जो लाभ लिए वो अद्भुत लाभ हुआ। तो इस तरह से यात्रा चली, बहुत लोग पूरक और सहायक बने इस कार्यक्रम में। जहाँ पारस चैनल और जिनवानी चैनल ने हमारी बात को आप लोगों तक पहुँचाया, लेकिन इनको सहयोग करने वाले जितने भी पुण्यार्जक हैं आपको उनका जरूर आभार प्रकट करना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए अर्थ सहयोग से आप लोगों तक कार्यक्रम पहुंचा। और आप लोग देखते हैं हर माह का एक एक परिवार होता है और करीब 7-8 परिवार तो ऐसे हैं जो शुरू से लेकर आज तक अपना प्रसारण कराते ही हैं, जिनमें विनोद जी काला यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित भी हैं, कभी इनका बंद नहीं हुआ। अशोक जी पाटनी हैं, लाधानी परिवार है, आपके जाकर के और भी बहुत सारे जयंती परिवार है, ये आपके यहाँ बैठे हैं, सुरेंद्र प्रीति हैं, और कुछ आपके कन्नौज से सवाई लाल जी का परिवार है, प्रशांत जी का परिवार है, राजेंद्र जी गन्नौर का परिवार है। ये नियमित करने वाले हैं, इनका तो हमारा हर वर्ष नाम लिख ही लो एक बार उन सब परिवारों के लिए। आप सब जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन करें। बंधुओं, ये पुण्योपचय का सातिशय निमित्त है। धर्म प्रभावना आपके माध्यम से, आपके थोड़े से सत्प्रयासों से लाखों लोगों का धर्म ध्यान हो रहा है, ये बहुत बड़े पुण्य का फल है। आप कोई ग्रंथ छपा लो, उससे जो पुण्य होगा उससे जो अनंत गुना पुण्य आपको इस माध्यम से घर बैठे होता है। इसे कोई फॉर्मेलिटी मत समझना। जितने लोग भी जुड़े हैं वे अपने द्रव्य का सदव्यय कर रहे हैं। जो भी परिवार है जो प्रति वर्ष कराते आए उनको भी, विजय सरावगी भी हर वर्ष उनका तो फिक्स ही रहता है, पाटनी जी आर के मार्बल परिवार बोल दिया, और रमेश सरावगी का परिवार भी लगभग प्रति वर्ष ही रहा है। तो ये सब के लिए तो आभार व्यक्त करें ही। आप लोग भी अपना मानस बनाएं कि जब कभी ऐसा अवसर आए हम कहीं से पीछे न रह पाएं, अपने द्रव्य के सदव्यय का ये श्रेष्ठ माध्यम है। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया उसमें आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारे विमल जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का सर्वाधिक संचालन किया, 1-2-3 साल में थोड़े डगमगा गए थे लेकिन आज पुरानी खनक के साथ फिर से उपस्थित हो गए। आज मध्याह्न में मैंने इनको सुना तो देखा अब फिर से वही खनक लौट आई है। एक बार जोरदार अभिनंदन इनका कर लीजिए। ब्रह्मचारी अशोक, ब्रह्मचारी अशोक जी, ब्रह्मचारी अभय भैया, सुदर्शन जी, सोनल जी और हमारे संगत सारांश, इनने और रुपेश ने भी बीच बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और कुछ लोग और ब्रह्मचारी विजय लखना दौन, कुंथु कुमार जी, जब जिसका मौका आया सब ने इसको आगे बढ़ाया है। एक बार उन सब लोगों के लिए आप लोग जोरदार करतब ध्वनि कर दें। आज ये 10 वर्ष की लंबी यात्रा है। ये कोई भी कार्यक्रम लगातार अपनी लोकप्रियता को बनाए रखे और प्रतिदिन का कार्यक्रम हो, ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य जैसा है। ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। मैंने तो एक दो बार सोचा इसमें कुछ परिवर्तन करें, पर लगता है कि इसे परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं। कई लोगों ने आकर के मुझसे कहा, महाराज इस शंका समाधान के कार्यक्रम ने हमारे पूरे परिवार को इकट्ठा कर दिया, हम लोगों ने नियम बना लिया कि जब भी शंका, हम लोग कहीं भी रहते हैं शंका समाधान के टाइम सारे कार्य छोड़कर हम लोग एक साथ बैठते हैं और आपका शंका समाधान सुनते हैं। आपके इस तरह के भावों को सुनकर हमारे मन में उत्साह बढ़ता है और लगता है कि ये रचनात्मक दिशा में जा रहा है।
गुणायतन जो यहाँ तक पहुँचा है उसे यहाँ तक पहुँचाने में भी शंका समाधान के इस कार्यक्रम का या इस चैनल का बहुत बड़ा योगदान है। मैं यद्यपि आज शंका समाधान का दिन है, मैं दोनों चैनलों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और दोनों चैनलों के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि दोनों खूब विकास करे और प्रतिस्पर्धा रहित विकास करे, आगे बढ़े, दोनों में होड़ ना हो लेकिन दोनों आगे चले, क्योंकि दोनों का कोई तोड़ नहीं है, दोनों आगे बढ़े। इससे लोगों का धर्म ध्यान है और इसमें लोगों को थोड़ी सहूलियत होती है। धर्म प्रभावना का एक सशक्त माध्यम है, इसे बढ़ा करके चलना चाहिए। आज अन्य भी अनेक कार्यक्रम है, गुणायतन का अधिवेशन आज यहाँ हुआ मालवांचल का, और मुझे बहुत प्रसन्नता, कल प्रबंधकारिणी की बैठक थी और यहाँ आज बहुत सारे प्रस्ताव भी पारित हुए, आप लोगों ने बहुत रुचि ली और उन प्रस्तावों में एक प्रस्ताव इंदौर के लोगों ने अपने ओर से रखा है, औपचारिक रूप से उसकी स्वीकृति तो समय पर मिलेगी लेकिन इंदौर वालों के इस प्रस्ताव का मैं समर्थन तो जरूर करूंगा। इंदौर वालों ने चाहा है कि यहाँ पर भी कोई ऐसा उपक्रम हो जो बच्चों के पढ़ाई में सहायक हो और हम उनके लिए एक अच्छा छात्रावास बना सके। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि गुणायतन की पूरी टीम, पूरी कमेटी, विनोद जी आप आ जाइए अपनी पूरी टीम के साथ मंच पर, पूरी टीम ने ये आज निर्णय, कल की अपनी कार्यकारिणी में निर्णय लिया कि हम सम्मेद शिखर में चल रहे उपक्रम को जगत व्यापी बनाएं और देश में हम समाज के गुणात्मक परिवर्तन का कुछ कार्य करें। मुझसे पूछा गया कि गुणायतन का काम कब खत्म होगा, मैंने कहा गुणायतन का काम कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुणायतन का मूलभूत लक्ष्य है पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन, और ये गुणात्मक परिवर्तन तभी होगा जब सम्मेद शिखर में बनने वाला गुणायतन आप सबके हृदय में भी बनेगा। मैं एक ही गुणायतन की बात नहीं सोचता, मैं आप सबके हृदय में गुणायतन स्थापित देखना चाहता हूँ। जब तक आपके मन में गुणायतन नहीं बनेगा तब तक आपका गुणात्मक विकास नहीं होगा, और पूरे समाज के गुणात्मक विकास का लक्ष्य लेकर सबको चलना है। और उसी कड़ी में आज जो प्रस्ताव इंदौर के लोगों ने प्रकट किया है मैंने उसका समर्थन किया है, पर एक जिम्मेदारी भी इंदौर के लोगों को देता हूँ, आपको अगुवाई करनी होगी, पीछे से गुणायतन आएगा और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, जल्दी उसकी रूपरेखा बनेगी और आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि गुणायतन से इंदौर के बहुत से लोग पहले से तो जुड़े ही थे, और एक रहस्य की बात और बता देता हूँ, पारस चैनल वालों को नहीं मालूम होगा इसलिए, कि हमारे कार्यक्रमों को देखने वालों में यूट्यूब चैनल में पूरे संसार में जो इनका व्यूअर चार्ट है उसमें इंदौर नंबर वन पे है, सबसे ज्यादा व्यूअर्स इंदौर के हैं। अब वहां जैन अजैन सब तो पूरा इंदौर शहर तो जुड़ा हुआ है, शायद वही जुड़ाव का पुण्य था जो हमारी गाड़ी कुंडरपुर से खींच के इंदौर आ गई। बहुत लोग जुड़े थे गुणायतन से भी, बहुत से लोग जुड़े, और मैं तो मानता हूं जो मुझसे जुड़ा सब गुणायतन से जुड़ा है। सवाल ये नहीं कि वो ट्रस्टी है या नहीं, पर जिसके हृदय में ट्रस्ट है उस सबके मन में गुणायतन है, मैं ये मानता। सभी को आशीर्वाद। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।